देश का नंबर वन किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक, भारत के किसानों का भरोसेमंद ट्रैक्टर पावर ट्रैक। एस्कॉर्ट लिमिटेड लाए हैं पावर ट्रैक नेक्स्ट सीरीज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एक तरफ एमपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, तो दूसरी तरफ अशोकनगर में भाजपा नेताओं में अलग ही होड़ मची हुई है। एक तरफ मंत्री ब्रजेंद्र सिंह अपने नेता सिंधिया को सिटी स्कैन मशीन मिलने का क्रेडिट दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सांसद केपी यादव को इसका क्रेडिट दिया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में 30 सिटी स्कैन मशीन स्वीकृत की गई है, जिसमें एक नाम अशोकनगर का भी है। जैसे ही मशीन की घोषणा हुई तो राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये मशीन हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से क्षेत्र को मिली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से मांग कर रहे थे कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी है, एक सिटी स्कैन मशीन की क्षेत्र को बहुत जरूरत है, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि अशोकनगर को एक मशीन दी जाए, जिसके बाद इसकी स्वीकृति मिली। प्रेस वार्ता के बाद पीआरओ अशोकनगर के ऑफिशियल पेज से एक प्रेस नोट जारी कर इसके लिए सिंधिया का प्रयास लिखा, तो इसके आधे घंटे बाद ही पीआरओ के ऑफिशियल पेज पर एक प्रेस नोट फिर जारी हुआ, जिसमें उस मशीन के लिए क्षेत्रीय सांसद केपी यादव के प्रयासों को बताया। इसमें कहा गया कि क्षेत्र के लोगों की मांग पर सांसद केपी यादव ने ये मशीन अशोकनगर के लिए स्वीकृत कराई है। अशोकनगर में सिंधिया समर्थक और सांसद के बीच होड़ को साफ देखा जा सकता है। सिंधिया समर्थक मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव और विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, जिसमें मशीन आने के पहले विधायक जजपाल सिंह ने 17 अप्रैल को फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर लिखा था, आज श्रीमंत महाराज और स्वास्थ्य मंत्री से अशोकनगर को सीटी स्कैन मशीन देने के लिए निवेदन किया, उन्होंने जल्द इसे देने का विश्वास दिलाया। विधायक की पोस्ट के अगले दिन एक पत्र 18 अप्रैल को सांसद केपी यादव के लेटर पैड पर भी लिखा गया, जो उनके समर्थक ने कल सीटी स्कैन मशीन की घोषणा के बाद डाला, जिसके साथ में केपी यादव के फोटो भी पोस्ट किया। सांसद केपी यादव के पीए मेहर देव ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली और 18 की जगह कट करके 17 तारीख कर कहावत लिखी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। खैर कुछ भी हो, फेसबुक पोस्ट और तारीख के अलावा सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक अपने नेता की बढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ सांसद अपनी, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरी प्रतिदिन बीसी के माध्यम से माननीय सीएम साहब से मेरी मीटिंग होती है, तो उनके समक्ष मैं हर मीटिंग में ये बात रखता हूँ कि मेरे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, मेरे यहाँ रेमडेसिविर की कमी है, आप विश्वास हैं मेरे यहाँ सीटी स्कैन नहीं है। मैं तो एक बार नहीं प्रतिदिन कहता हूँ उनसे, लेकिन मैंने आज तक कभी अपने मुँह से ये नहीं कहा कि मैं सीएम साहब को पर डे बताता हूँ और मैं बताता हूँ मैं करा के लाया, ये सरकार ने कराई, ये सरकार ने दी है। हाँ, जैसे मान के चलो आज हमने कहा तो माननीय सिंधिया जी ने कराई है, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने सिंधिया जी से बार बार कहा और उन्होंने कहा कि मैं जल्दी से जल्दी करा के दूंगा और उन्होंने करा के हमको तुरंत बताया कि मैंने आपको स्वीकृत करवा दिया आपके सीखी, तो हम तो यही कहेंगे ना कि महाराज ने कहा था, हमने महाराज से मांगा था, महाराज ने स्वीकृत करा दी, तो हम इसलिए महाराज को देंगे। अब जिसको ये देना है वो अपने हिसाब से लिखता है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। तो इसी क्रम में बहुत दिनों से ये मांग चल रही थी सिटी स्कैन की यशोनगर जिले के लिए, तो हमने सभी ने मांग रखी हमारे श्रीमंत राज्यसभा सांसद श्रीमंत महाराज साहब से कि हमारे ज़िले के लिए जल्दी से जल्दी सिटी स्कैन उपलब्ध कराई जाए, जिससे हमारा जो भी गरीब तबका है, गरीब व्यक्ति है, प्राइवेट पैथोलॉजी पर जाते हैं तो वहाँ अनाप शनाप उनको दाम देने पड़ते हैं, लगभग 3,000-4,000 जो भी उन्होंने रखा है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा गरीब व्यक्ति वो सिटी स्कैन नहीं करा पाता है। तो आज हमारे ज़िले के लिए जो सिटी स्कैन की सौगात मिली है, मैं सर्वप्रथम तो हमारे राज्यसभा सांसद श्रीमंत महाराज को सभी जिलेवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो मांग हमने सभी लोगों ने, चाहे मैंने, चाहे हमारे माननीय विधायक जी ने, हमने जैसे ही श्रीमंत महाराज साहब के सामने मांग रखी तो उन्होंने तुरंत हमारे यशोनगर जिले के लिए सिटी स्कैन आज उपलब्ध कराई है। आज उपलब्ध तो नहीं हो पाई है, लेकिन उसकी जो टेंडर्स है। सागर टीवी न्यूज के लिए अशोकनगर से राहुल कुमार जैन की रिपोर्ट।
देश का नंबर वन किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक, भारत के किसानों का भरोसेमंद ट्रैक्टर पावर ट्रैक। एस्कॉर्ट लिमिटेड लाए हैं पावर ट्रैक नेक्स्ट सीरीज। 52 हॉर्स पावर से 60 हॉर्स पावर तक के उच्च तकनीकी विशेषताओं वाले ट्रैक्टर, जिनमें है ज्यादा भार उठाने वाली हैवी हाइड्रोलिक लिफ्ट, ज्यादा पीटीओ पावर, स्वतंत्र क्लच के साथ साइड शिफ्ट गियर, मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ, 24x7 गियर बटन के साथ। जब बदल रहा है जमाना, फिर आपका ट्रैक्टर नए जमाने का क्यों नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अधिकृत डीलर ओम साईराम ट्रैक्टर्स, खुरई रोड सहानी होटल के सामने बीना। हमारे नंबर है 9926184111, 9926184101, सागर ब्रांच 280 भगवानगंज सागर। हमारा नंबर है 9407184111, 7610135101।